जी हैं दोस्तों, आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम इस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो ये है कि गाइस मैं बताऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। तो गाइस आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा क्यों? आप वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को स्किप करके देखते हो, ऐसा क्यों? तो हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, फिर हमें पब्लिक प्रैंक करने वाले हैं और वो प्रैंक काफी कमाल का होने वाला है। हमारे 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे ग्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर डाल लेते हैं। ग्लास के अंदर हमने वाटर अच्छी तरीके से डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा दूरी पर कर लेते हैं इन्हें, थोड़ा थोड़ा बस, ज्यादा नहीं करना है। तो गाइस आप ये एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हो, क्योंकि ये 9th क्लास की केमिस्ट्री की नोटबुक में फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें फर्स्ट एक्टिविटी यही एक्टिविटी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरे 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हमें जरूरत पड़ेगी पोटेशियम परमैंगनेट की। सो गाइस आप ये किसी भी मेडिकल पर इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंक का भी यूज कर सकते हैं, जो जेल पेन की इंक होती है। तो हम मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमें इसको चाहिए हो थोड़ा सा, हम पहले वाले ग्लास के अंदर डाल देते हैं बस थोड़ा सा, बस इतना काफी है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से डाल दिया है। अब हमारी बारी है इसको मिक्स करने की। तो अब मैं गाइस इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस तो होगा क्या कि आप इसमें डिफरेंस देखना और लास्ट वाले में डिफरेंस देखना, कितना डिफरेंस आएगा। तो ये एक्टिविटी गाइस 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में फर्स्ट एक्टिविटी, यही एक्टिविटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पर। तो मैं भी 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रियल में है या फिर ऐसी एक्टिविटी दिखा रहा है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। गाइस इंजेक्शन है हमारे पास एक सिरिंज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप किसी मेडिकल पर मिल सकता है या तो गाइस आप चम्मच से भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमें क्या करना है गाइस, बस ये जो फर्स्ट वाला ग्लास है वो, सेकंड वाला जो ग्लास है इसमें से हमें मात्र 10 ml निकालना है, 10 ml। तो हम इसमें से 10 ml निकाल लेते हैं, ये देख सकते हैं गाइस हमने इसमें से 10 ml निकाल लिया। अब हमें ये मिनट का सॉल्यूशन है, हमें ये इसके अंदर डालना है 10 ml जो हमने वाटर निकाला है ना। तो हम ऐसे ही सभी के अंदर करने वाले हैं और लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में डिफरेंस देखना क्या आएगा, है ना गाइस। मैं ले लेता हूँ जितना हमने पहले सेकंड वाले ग्लास में से निकाला, अब मैं इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया अच्छी तरीके से, अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो इंजेक्शन है ये है मात्र 3 ml का, तो हमें इसमें से लेना पड़ेगा 10 ml। तो हमें 3 बार इसमें से निकालना पड़ेगा, 1, 2, 3। हमने इसमें से निकाल दिया फर्स्ट बार, अभी हमारा 2 बार रह चुका है, तो हम 2 बार भी निकाल लेते हैं, यानी कि 2 बार चांस, ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा 3। तो हमने 3 बार इसके अंदर मिला दिया, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं, ये हो गया। अब हमें इसमें से निकालना पड़ेगा 10 ml, इसमें से 10 ml निकाल लेते हैं। तो अब मैं इसमें से इसमें डाल देता हूँ बस 10 ml, 1, 2, 3। तो गाइस अब देखना हम वाटर को क्लियर किस तरीके से होता है, पहले में ज्यादा था, दूसरे में कम है, तीसरे में और कम है। अब हम ट्राई करते हैं इसके साथ, इसमें देख। तो गाइस अब इसमें से भी 10 ml निकाल लेते हैं और 10 ml इसमें से निकाल के वो इस वाले ग्लास के अंदर डाल देंगे। तो हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं, थर्ड वाले ग्लास के अंदर से, देख सकते हैं इसके अंदर धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जा रहा है, यानी कि वाटर का लेवल थोड़ा, मतलब कलर जो है थोड़ा डाउन होता जा रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो गाइस अब इंक का यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है पहले। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम ट्राई करने वाले हैं फिफ्थ वाले ग्लास के साथ ट्राई करने वाले हैं। और फिफ्थ वाले ग्लास में से हम 10 ml निकाल लेते हैं, ये जो फोर्थ वाला ग्लास जो है इसमें से निकाल लेता हूँ 10 ml। आपको भी गाइस ऐसे ही करना है, देख सकते हैं इसमें डार्क है, इसमें और कम है, उसमें और कम, याले में और कम, फिफ्थ वाले में तो है ही नहीं। अब हम इसके अंदर और कलर डाल के देखते हैं कि आता है या फिर नहीं। लेकिन इसका कलर चेंज हुआ, हल्का सा कलर चेंज हुआ, लेकिन हुआ इसका भी। इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं गाइस आप, लास्ट वाले में और ये वाले में, अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, फिफ्थ वाले क्लास में एंड फर्स्ट वाले क्लास में कितना डिफरेंस है। एक्टिविटी सक्सेसफुल तरीके से काम करती है। तो आपको गाइस अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी है, फिर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन वाली लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।